नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। तानाजी जैसे मास्टरपीस को डायरेक्ट कर चुके ओम राउत लगातार अपनी फिल्म आदि पुरुष को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आदि पुरुष का टीजर रिलीज किया था, लेकिन वाहवाही की जगह उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। नेटिजन्स ने फिल्म के वीएफएक्स को कार्टून और सस्ता गेम बताया है। इसके अलावा आदि पुरुष के किरदार के लुक पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। हिंदू माइथोलॉजी पर बनी आदि पुरुष के रावण की तुलना मुगल बादशाह खिलजी से हो रही है। वहीं अब हनुमान को भी इस ट्रोलिंग में घसीट लिया गया है और इसके साथ ही फिल्म के बॉयकॉट की मांग भी उठने लगी है। आदि पुरुष में बाहुबली स्टार प्रभास, राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के किरदार में नजर आते हैं, जो पौराणिक कथा रामायण से प्रेरित है। वही फिल्म में हनुमान का किरदार देवदत्त गजानन नागे निभा रहे हैं। फिल्म के टीजर में उनके शरीर पर चमड़े की बेल्ट को दिखाया गया था, जिसकी वजह से वे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अब उनके दाढ़ी पर भी बवाल शुरू हो गया है। एक यूजर ने आदि पुरुष के हनुमान की आलोचना करते हुए कहा, कौन सा हिंदू बिना मूंछ के दाढ़ी रखता है जो हनुमान को ऐसा दिखाया गया है। एक अन्य यूजर ने कहा, रामायण हमारा इतिहास और हमारी भावना है। आदि पुरुष में भगवान हनुमान को मुगल की तरह दिखाया गया है, आदि पुरुष को बैन किया जाए। फिल्म के बॉयकॉट की मांग करते हुए एक यूजर ने कहा, ये पूरी तरह से रामायण और हमारी गौरव भगवान राम जी, माँ सीता जी, भगवान हनुमान जी का इस्लामीकरण है। यहाँ तक कि आदि पुरुष फिल्म में सैफ अली खान जो रावण की भूमिका निभा रहे हैं, वह तैमूर और खिलजी की तरह दिख रहे हैं। रावण ने हमेशा अपने सिर पर लाल तिलक लगाया है।